कौन है वो महिला जिसे शाह ने भरे मंच पर सुनाया? गडकरी भी रह गए तंग। तीन तस्वीरों ने बताया साउथ के सुपरस्टार और नेताओं से कैसा है मोदी का रिश्ता। जो कहते थे बीजेपी है नॉर्थ इंडिया की पार्टी, उन्हें वीडियो देख आ जाएगा बुखार। ये तीन वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के हैं। पहले वीडियो में अमित शाह का गुस्से वाला अंदाज दिखता है, दूसरे वीडियो में पीएम मोदी, पवन कल्याण और चिरंजीवी का अपनापन दिखता है, जबकि तीसरे वीडियो में दक्षिण में बीजेपी के मजबूत होती पकड़ की सबसे बड़ी बानगी दिखती है। एक एक करके तीनों तस्वीरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और बात की शुरुआत करते हैं शाह के गुस्से से। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर का है। अमित शाह एक महिला नेता को अपने पास बुलाते हैं, जिन्हें देखकर नितिन गडकरी हाथ जोड़ते हैं, पर शाह बेहद गुस्से में होते हैं। वो क्या कहते हैं ये कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं होता, पर इतना जरूर पता चलता है कि शाह बहुत गुस्से में है। बगल में बैठे नड्डा ये सब देखकर हैरान थे। तभी शाह बेहद गुस्से में होने वाला इशारा कर, जब हम इस तस्वीर के बारे में सर्च करते हैं तो पता चलता है कि पूरी कहानी तमिलनाडु से जुड़ी है। ये जो महिला आपको वीडियो में दिख रही हैं, इनका नाम है तमिल साई सुंदर राजा। ये पहले तेलंगाना की राज्यपाल थी और 2024 चुनाव में बीजेपी ने इन्हें दक्षिण चेन्नई सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन्हें जीत नहीं मिल सकी। खुद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई भी चुनाव हार गए। हार का ठीकरा कई लोगों ने अन्नामलाई पर फोड़ना शुरू किया और सुंदर राजन ने भी कुछ दिनों पहले अन्नामलाई के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए थे जो अमित शाह को रास नहीं आया। पूर्व आईपीएस अन्नामलाई मोदी और शाह के इतने करीबी माने जाते हैं कि हार के बाद भी उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। इसलिए उनके खिलाफ बोलना शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ और भरे मंच पर एक महिला जो कि राज्यपाल रह चुकी हैं उन्हें समझा दिया। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। ये तस्वीर पवन कल्याण और पीएम मोदी की। पवन कल्याण डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पहुंचे थे, पर मोदी से मुलाकात के दौरान वो भावुक हो उठे और मोदी के कान में शायद ये कहा कि उधर मेरे भैया चिरंजीवी बैठे हैं, जो साउथ के पुराने सुपरस्टार हैं। मोदी सुनते ही आगे बढ़ते हैं और उधर से चिरंजीवी आते हैं, दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। चिरंजीवी पवन कल्याण का ये पावर देखकर भावुक हो जाते हैं और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक इस बात की चर्चा छिड़ जाती है कि हमारे सुपरस्टार अब दिल्ली के बड़े नेताओं के दिल के काफी करीब हो गए हैं। यही नहीं, पवन कल्याण चिरंजीवी के पैर भी छूते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके बाद मंच पर होती है दक्षिण के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री। रजनीकांत और उनकी पत्नी मोदी से मुलाकात करते हैं और उसी के साथ ये साफ हो जाता है कि जैसे इस बार तेलंगाना में बीजेपी ने सियासी तूफान लाया है, वही अगली बार तमिलनाडु में भी करने वाली है। क्योंकि रजनीकांत के फैंस अगर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए तो समझिए कि वहाँ की पुरानी पार्टी के साथ बड़ा खेला हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रजनीकांत ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और यहाँ तक कि सीएम योगी के पांव भी छुए थे, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। तब कई लोगों ने कहा था कि योगी के आगे सब नतमस्तक हैं। कोई सुपरस्टार हो या सन्यासी, योगी मोदी से मिलते ही प्रभावित हो जाता है और यही साउथ के सुपरस्टार को देखकर भी लग रहा है। एक वक्त था जब साउथ के सुपरस्टार सियासत में एंट्री लेते थे और सीएम बन जाते थे। एनटीआर से लेकर करुणानिधि और जयललिता तक कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या अगले चुनाव में अगर बीजेपी ने अच्छा किया तो रजनीकांत के लिए सीएम आवास के दरवाजे खुलने वाले हैं? क्योंकि रजनीकांत का हाव भाव तो यही बता रहा है कि कहानी काफी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।